हम जा रहे हैं और क्या ये क्या था, सब डर गए, हमें देखता हुआ आ रहा है फुल। ये देखें कितनी खूबसूरत है ये। शायद अब आपको अंदाजा हो, ये मेरे बिल्कुल पीछे है, बहुत बड़ा है यार। भाई मुझे लग रहा था नकली है, लेकिन इसने अभी अभी थोड़ी सी मूव। मेरा फेवरेट स्नेक है। आपके भाई के फाइनली 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और किया हुआ वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं फिलीपींस, फिलीपींस के शहर मनीला, और जहाँ पर जाएंगे हम उसके जू में, और साथ ही साथ जाएंगे वहाँ के ओशन पार्क में जाके दुनिया के बड़े एक्वेरियम को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो टोटल 2 व्लॉग्स आपको जबरदस्त वाले देखने को मिलेंगे। कराची के ऊपर से गुजरते हुए हम पहुंच गए फाइनली बैंकॉक से होते हुए फिलीपींस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आपका भाई फाइनली पहुंच चुका है फिलीपीन, और फिलीपीन में जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जा रहे हैं फिलीपीन के जू में, थोड़ा सा लेट हो चुका है, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, फूड पॉइजन हो गया था, तो सोकर अभी उठाऊं। शाम हो रही है और 6 बजे से पहले हमें पहुंचना था। हमने टैक्सी कराई हुई है, ग्रैब ऐप का यूज़ किया है और यहाँ पे टकराई है टैक्सी। तो कुछ ऐसे नज़ारे हैं और फिलीपीन जो है वो, उसके बारे में डिटेल्स बाद में दूंगा, पहले जल्दी से पहुँचते हैं जू क्योंकि टाइम हो गया है अब। तो आई होप कि हम टाइम पर पहुँच जाएँ। पहुँच गए हैं मनीला जू और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, जल्दी से अंदर भागते हैं। देखिए गेट्स क्लोज हो चुके हैं, लेकिन हम अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंट्री मिल गई है और हम फाइनली पहुंच गए हैं मनीला जू के अंदर। अगर हम सोए टाइम पे और उठते जल्दी तो हमें एंट्री जल्दी मिलती। तो भाई वेलकम टू मनीला का जू, और हम अंदर जा रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो लाइट की कमी होगी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई ये पहला कोई इंक्लोजर है जो इनका अभी बन रहा है, और कुछ इस तरह का माहौल है अंदर, इस तरह की शॉप्स भी हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हम जानवरों को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ी सी कुछ चीज़ें स्किप करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो अच्छा सस्पेंड हो और मैक्सिमम एनिमल्स हम देख सकें। तो लेट्स बिगिन द एडवेंचर। पहला एनिमल हमें यहाँ पर नज़र आ गया है, और पहला एनिमल ये देखें, और ये है कोसोवारी बर्ड, जो कि दुनिया का बहुत डेंजरस बर्ड में शुमार होता है। बहुत ज़ोर से किक कर सकता है, हेड से मार सकता है। इसको ज़रा देखें किस तरीके से जो है वो डर डर के ये भाग रहा है। ये चेक करें भाई, इसके पैर चेक करें, इसका सींग चेक करें, और ये यकीन माने जब ये मारने पे आता है ना, तो फिर इसकी खूबसूरती कोई मायने नहीं रहती, बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा जी, तो पाकिस्तान में इसकी कीमत जो है वो अराउंड, कोई सुनने में आया कि 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, क्योंकि ये बर्ड पाकिस्तान में शायद 2 से 4 ही हैं, वो भी प्राइवेट फार्म हाउस पर है। लेकिन आपका भाई आपको ये पाकिस्तान में भी दिखाएगा कि ये कहाँ पर है, तो डोंट वरी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वार्निंग लिखी हुई है भाई, यकीनन कोई ख़तरनाक ही जानवर होगा, और वो नज़र आ गया भाई। तो यहाँ पर है वाइट बंगाल टाइगर, जिससे हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, तो वाइट टाइगर वाइट ही होगा, ये देखें गोरा गोरा। ये वाइट टाइगर जो है वो इनका सो रहा है, बिल्कुल आराम कर रहा है। उठा 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 भाई, उठ गया उठ गया उठ गया। शायद आवाज़ जाती है पता नहीं कैसे, लेकिन ये अभी अभी उठ गया, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है, हमारे टफी की तरह सुतुराम निकला भाई ये। अच्छा, वाइट टाइगर से तो खैर मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये हैं, और इनको ब्रीड भी किया जा रहा है। तो वाइट टाइगर की एक बड़ी ख़ास बात होती है कि इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। हमारे जो टाइगर्स हैं उनको भी इसी तरह चाहिए होता है। तो ये एक और केज के बाहर, ओह इसके अंदर ये क्या है? ओह इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ। ये आ रहा है भाई, हमारी तरफ ही आ रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा, आजा। और हम इसको देख रहे हैं, ये हमें देख रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ के जो इंक्लोजर्स हैं वो शीशे के बने हुए हैं, तो आप बहुत फाइन तरीके से उसको देख सकते हैं। और मेरी दुआ है कि हम पाकिस्तान में भी अपना जो जू है उसको इसी तरीके से डेवलप कर पाए। आज मुझे कसम से लगा था कि जू में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं सो रहा था, और उसमें टाइम आ रहा था कि 6 बजे गेट क्लोज़ हो जाएंगे, तो हम फिक्स 6:05 में पहुंचे, लेकिन एंट्री मिल गई। ये जो केज आया ना भाई, इसके अंदर हम ऊपर खड़े हुए और नीचे घूम रहा ऑस्ट्रिच, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड होता है। और सारे ब्यूटी पता है क्या है यहाँ पे, एनिमल्स भले केजेस के अंदर कम है, जैसे हमारे इतने से केज के अंदर 3 ऑस्ट्रिच हमारे जू के अंदर, लेकिन सारी ब्यूटी जो है ना वो इनके केजेस का जो लुक है ना, जो एम्बियंस है, सारी ब्यूटी जो है वो उसकी है। और इसको यहाँ ऊपर से देखा जा रहा है, ये तमाम तरह की डिटेल जो इस तरीके से यहाँ पे मेंशनड है,
और ये देखें, सब देख रहे हैं इस तरीके से। ये नीचे जो है वो इसको घास खा रहा है, और इसके साथ इन्होंने जो है वो डियर छोड़े हुए हैं, और ये होक डियर इसके साथ हैं। तो एक ऑस्ट्रिच है, बाकी कुछ होक डियर्स यहाँ पर हैं, और कुछ जो है वो ये घूम रहे हैं। अच्छा ये होक डियर, अच्छा इधर लिखा हुआ है कि इसके अंदर ज़ेब्रा भी है, तो ज़ेब्रा क्यों नहीं नज़र आ रहा भाई? ज़ेब्रा कहाँ पर है? होक डियर्स तो ये सारे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखें। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, ये सारे यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन ज़ेब्रा का कुछ ज़्यादा पता नहीं। इतना बड़ा बड़ा भाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप हमको पता है अगली डेस्टिनेशन हमारी क्या है, और वो है हमारा बब्बर शेर, जो कि है अफ्रीकन लायन, वो सामने से आता हुआ नज़र आ रहा है भाई। ये आ गया अफ्रीकन शेर, और अच्छी बात ये कि ये हमें देखता हुआ आ रहा है फुल भाई। ये इसको जो है वो तालाब भी दिया हुआ है, हालांकि लायंस को इतना बड़ा तालाब ना भी दे तो चलेगा, लेकिन जगह इन्होंने अच्छी दी हुई है। ऊपर बैठने वाला जो स्ट्रक्चर है, मुझे याद है कि हमारे जू में भी एक ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल इसके लिए, उस हमारे लायंस के लिए भी बन जाएगा। और फिलहाल ये यहाँ पर एक ही है, फिलहाल ये यहाँ पर एक ही है, और दूसरी कोई शेरनी नहीं नज़र आ रही इसकी। ये कोई इस तरह का ब्रिज आ गया, और इस तरह के ब्रिज पे हम जा रहे हैं, और क्या, ओ ये क्या था, सब डर गए। ये कोई बर्ड आया बिल्कुल उड़ के, और अंदर इसके एक बर्ड था, अभी एक बर्ड अचानक से उड़ कर आया, और पीछे जितने भी विजिटर्स थे सारे चिल्लाने लग गए। तो वो बर्ड जो है वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा ईगल है, और वो ईगल भी आपको दिखाते हैं, उसके लिए ये बैठे हैं वो, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा बैठा हुआ, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक वहाँ पर गया है, और ये पूरा के पूरा इनकी एक अवेरी टाइप की बनी है। इस तरफ भी बर्ड्स हैं और इस तरफ भी बर्ड्स हैं, और हम जो है बस यहाँ से गुजर रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो है ये बर्ड है। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक डिस्प्ले दिया हुआ है, यहाँ पर भी इनके लिए देखें एरिया बना हुआ है, और यकीनन इसके अंदर भी वो बैठे हैं, ऊपर बैठा हुआ एक, वो ऊपर बैठा हुआ एक फिश ईगल, और कुछ यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। उत्तर के जैसे ही नीचे आए, तो ये एक केज है जिसके अंदर मल्टीपल इन्होंने बर्ड्स डाले हुए हैं, और इन ये डव्स का केज है, अलग अलग ब्रीड हैं डव की, जिनके बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और ये सारे डव्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कितने सारे डव्स हैं, और ये इस वक्त अंदर है, क्योंकि अब दोस्तों शाम होने वाली है, तो ये सामने बैठा हुआ है जिसको कवर करना बहुत मुश्किल है, सामने बैठ के जो है वो खाना खा रहे हैं। ये देखिए भाई फिलीपीन स्वैम बहन, ये तो हमारे जो दूसरा रेस्क्यू सेंटर है उस पर भी है, जिसका मैंने अब तक व्लॉग डाला ही नहीं है, तो वो रेस्क्यू सेंटर भी बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग बर्ड है जो आपने लेक्चर में नहीं देखे होंगे। तो ये है फिलीपीन स्वैम बहन, और इसके साथ तो इन्होंने फीजेंट भी डाला हुआ है भाई, और ये एक फीजेंट भी अंदर घूम रहा है। ये देखिए एक फीजेंट है, इसके साथ ये जो पीछे है ना, ये एक स्वैम फैन है, फेवरेट बर्ड, और ये है हॉर्नबिल, और इसकी जो बीक होती है ना उसके से मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो भाई ये सामने बैठा हुआ है हॉर्नबिल, ये देखें ये सामने बैठा हुआ है, ज़रा सी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो आपको ये फुल नज़र आएगा, ये सामने बैठा हुआ। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ये देखिए बहुत ऊपर बैठा हुआ है ये, ये देखिए। अब मैं ऐसी बात बताऊंगा ना कि आप सब थोड़े से अजीब सा फील करेंगे, दुनिया की जो सबसे कॉफ़ी, जो सबसे महंगी कॉफ़ी है ना, वो एक जानवर की पॉटी से बनती है, और वो जानवर कौन सा है, वो है ये वाला जानवर, ये है सीवियट कैट, और इसे पाम सीवियट कैट भी कहा जाता है। ये इस वक्त यहाँ पर घूम रही है, और इसे कॉफ़ी बीन्स दिए जाते हैं, और इसके बाद जो है इसे कॉफ़ी बनाई जाती है। तो ये देखें, अगर यकीन नहीं आ रहा तो दोस्तों गूगल करके देख लेना, आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितनी खूबसूरत है ये। तो ये हमारे पाकिस्तान में भी पाया जाता है, कश्मीर की पहाड़ियों में भी, और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों में ये पूरा जोड़ा है, आप ये देखें। तो नीचे वाला जो पार्ट है ना वो ख़त्म होता है, और अब ऊपर की तरफ हम वापस जा रहे हैं, तो ऊपर का रास्ता जो है वो ये चल जा रहा है जी। तो अब टर्टल्स की बारी है, टर्टल्स की सेंचुरी के अंदर हम जा रहे हैं, हमें टर्टल तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आया, लेकिन सामने वाली जो जगह है ना भाई, इसके अंदर एक बड़ी शानदार चीज़ नज़र आ रही है, शायद आप उसे ढूंढ भी ना पाए। वो सामने बैठी हुई एक मॉनिटर लिजर्ड, वो बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने एक मॉनिटर लिजर्ड बैठी हुई है, बहुत बड़े साइज़ की है, और जो है हमारे पाकिस्तान में भी ये होती है, लेकिन छोटे साइज़ की होती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके लिए एक इंक्लोजर बना है, हाँ पर बिल्कुल मॉनिटर लिजर्ड के बराबर में एक क्रोकोडाइल का भी इंक्लोजर ये रहा मौजूद है, ये रहा, ये सामने बैठा हुआ है। बड़ी बात है हमें नज़र आ गई, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ भाई। वो छोटा वाला जो मगरमच्छ है वो कुछ भी नहीं है, जो अब मुझे जो साइज़ नज़र आया क्रोकोडाइल का, ये साइज़ देखे भाई, इतना बड़ा क्रोकोडाइल मैंने कभी भी नहीं देखा आज से पहले, एक ह्यूज साइज़ का ये क्रोकोडाइल है। ये सामने आप इसको ज़रा चेक करें,
ये चेक करें आप इसका साइज, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा साइज है। इसके दांत देखें तो हमारा वाला जो क्रोकोडाइल है उसके सामने बिल्कुल बच्चा, और ये एक नहीं है, ये एक से ज्यादा है, एक वहां पर भी बैठा हुआ है बिल्कुल सामने। भाई मुझे लग रहा था नकली है, लेकिन इसने अभी अभी थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई है। ये देखें ये हिल रहा है, कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज है भाई, बहुत बड़ा साइज का मगरमच्छ है। मैंने इतने बड़े क्रोकोडाइल पाकिस्तान में नहीं देखे, दूसरे भी जूज मैंने विजिट किए लेकिन इतना बड़ा साइज नहीं देखा। ये उफ भाई, इसकी ब्रीड कौन सी है जरा पहचानते हैं पहले, शायद अब आपको अंदाजा हो। ये मेरे बिल्कुल पीछे है, बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। हमें टर्टल्स, और टर्टल्स जो है वो ये अब जाके नजर आए ना यार, और ये हमारे पास तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा है यार। ये देखें कितने सारे, पूरा पानी इनसे भरा हुआ है, हर तरफ पानी में जहाँ पे भी नजर आएगा दोस्तों आपको कछुए ही नजर आएंगे। तो ये है रेड ईयर स्लाइडर, और उसके अंदर एक दो और ब्रीड्स उन्होंने मिक्स की हुई है, जैसे सॉफ्ट शेल टर्टल भी नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा एरिया इन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ पे ये ब्रीड भी कर रहे होंगे यकीनन, क्योंकि छोटे बड़े साइज जो है हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल कुछ इस तरह का इन्होंने ये इंक्लोजर जो है वो बनाया हुआ है। का तालाब यहाँ पर भी है, और इधर भी जो है वो क्रोकोडाइल का तालाब यहाँ पर भी है, वो पानी के अंदर घूम रहे हैं कहीं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल वाले टर्टल्स हैं कोई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर है, मुझे दिख गया वो, अब यहाँ से सही नज़र आ रहा है। ये देखिए पानी के अंदर तैर रहा है, बहुत ही बड़े साइज का टर्टल है। अली भाई एक जगह आ गई है, और वैसे भी रोशनी कम हो गई है, हम क्योंकि लेट आए थे तो इंडोर रेप्टाइल्स की तरफ जा रहे हैं, और रेप्टाइल्स आपको पता है मेरा फेवरेट है। तो दोस्तों अगर ये थोड़ी वीडियो आपको अंधेरे में देखनी पड़ रही तो उसके लिए माजरत। वो सामने है रेप्टाइल्स का एरिया, रेप्टाइल हाउस की तरफ बहुत खूबसूरत सी एंट्री है, और इसके अंदर हम दाखिल होंगे। रूम के अंदर हम दाखिल हो गए हैं, और ये सामने ओ भाई कौन बैठा हुआ है जनाब, मेरा सबसे फेवरेट, हमारा ग्रीनो भी एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा, और ये है ग्रीन इगुआना, और हमारा ग्रीनो भी इंशाल्लाह इतना फ्रेंडली और इतना बड़ा हो जाएगा वेरी सून। भाई ग्रीन इगुआना मेरा सबसे फेवरेट एनिमल्स में से एक है, लिज़र्ड में से, और ये मुझे देख रहा है, और ये भी सोच रहा होगा कि आज इसको कोई अलग तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। तो फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, और ग्रीनो तो आपको पता ही, अगर आप हमारे डेली व्लॉग देखते हैं तो आप इगुआना के बारे में जानते होंगे। टर्टल के लिए बहुत ज़बरदस्त सा एक पॉन्ड उन्होंने बनाया हुआ, और यहाँ पे देखिए टर्टल बिल्कुल सही से दिख रहा है, वहाँ तो ये दिख नहीं पा रहा था हमें, यहाँ पे टर्टल बिल्कुल सही से दिख रहा है। तो ये मेरे साथ एक टर्टल घूम रहा है, और बहुत सारी दुनिया में टर्टल्स की ब्रीड है, उसमें से ये कौन सा वाला है ये यहाँ पे हमने डिटेल नहीं मेंशन की। इंडोर रेप्टाइल में मॉनिटर लिजर्ड का इंक्लोजर भी है, और हम भी बिल्कुल अपना रेप्टाइल रूम कुछ इसी तरह का बनाने वाले हैं। वो ये यहाँ पर सो रही है, ये देखें पानी के अंदर ये सो रही है, और ये कितनी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड है, ये चेक करें आप इसका साइज़ देखें। इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, और इंक्लोजर्स बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर, मिली जाती है भाई। वो सामने बैठी हुई है, ये रही सामने, ये सामने ये लिजर्ड बैठी हुई है, बहुत कमाल का इंक्लोजर बनाया हुआ है। इंक्लोजर एक मिला है यहाँ पर, और नीचे भी एक टर्टल है जो इस वक्त पानी के अंदर घुसावा है। मिल ही गया जिसे मैं ढूंढ रहा था, हमारा अल्बाइनो बर्मीज पाइथन, जो मेरे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन वो भी इतना ही बड़ा हो जाएगा। तो भाई कितना बड़ा है, अब आपको उसके साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत जाइंट साइज़ के हो जाते हैं ये अल्बाइनो बर्मीज, और ये कम अज़ कम भी जो मेरे पीछे जो स्नेक है ये कम से कम 15 फुट का होगा, और इसका वज़न तकरीबन 40 किलो के करीब ज़रूर होगा। तो पूरा पेड़ है यहाँ पे अल्बाइनो बर्मीज पाइथन का, और मेरा इस इंक्लोजर के सामने से हटने का दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा है, बयान से भी मेरा फेवरेट स्नेक है अल्बाइनो बर्मीज पाइथन। हमारे पास भी हमारे रेप्टाइल रूम के अंदर ये दो है, इवन एक नॉर्मल अल्बाइनो बर्मीज पाइथन, एक ग्रेनाइट है, लेकिन ये दोनों अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है। तो रेड इगुआना भी यहाँ पर है, और आपको पता होगा हमने उसका नाम, हमारे पास जो है वो रेड ड्रैगन रखा हुआ है, तो वहाँ ऊपर टॉप पे मौजूद है, वो रही फोकस करते हैं थोड़ा सा, वहाँ टॉप पे मौजूद, ये देखें रेड इगुआना भी यहाँ पे मौजूद है, और वहाँ टॉप पे उस वक्त सो रही है वो। बर्मीज पाइथन भी है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं, और वो वहाँ पर बैठे हैं। आप ये देखें भाई कितने मोटे मोटे और कितने हेल्दी हैं, साथ में एक रेटिकुलेटेड पाइथन भी है, तो उन्होंने 2-3-4 पाइथन एक साथ रखे हुए हैं, और ये अलग अलग स्पीशी के, तो ये रेटिकुलेटेड पाइथन हो गया है, और ये बैठा हुआ है बर्मीज पाइथन, और एक बर्मीज पाइथन जो है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। रेप्टाइल रूम से करिए हमने एग्जिट, अब आगे हम चल रहे हैं, बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे, नज़र आइए ना कुछ बस्ती खोर चीज़, और ये है मंकीज़ यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्तों अगर इनको प्रॉपर देखना है तो हमें इस रास्ते से ऊपर जाना होगा।
क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे। रात में भी इसका अपना ही अलग मज़ा है। अब बटरफ्लाई गार्डन की तरफ, और भाई तितलियों का भी कोई होता है क्या जू में सिस्टम, तो आज देखते हैं। एंट्रेंस है बटरफ्लाई गार्डन की। थैंक यू। वाह, ये जो है वो इन्होंने कोई बटरफ्लाई जो है ना, ओके दिस आर प्रिजर्व। ओके तो ये बटरफ्लाईज इन्होंने जमा की हैं, और ये डेड बटरफ्लाईज हैं, बट इसको जो है इन्होंने प्रिजर्व कर दिया है, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो है वो डिस्प्ले किया है, ज़बरदस्त। ओके ओके, ये देखें इन्होंने कितनी टाइप्स जो है वो दुनिया की जो है वो जमा की हुई हैं, और बटरफ्लाईज के बारे में पूरी चीज़ें भी इन्होंने लिखी हुई हैं, ये देखें। और उसका बटरफ्लाई का भाई लाइफ साइकिल ये है, ये देखें, अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से फिर ये कोकोन अडल्ट, और ये देखें। ओके दिस आर देयर इज अलाइव। चलिए जी, तो ये बता रही कि यहाँ पर जो मैं जिंदा जो बटरफ्लाईज हैं वो भी पाली हुई है। ओके इनसाइड दिस, हाँ इन्होंने देखें बटरफ्लाईज भी पाली हुई हैं, और ये बैठी हुई है नीचे। तो बटरफ्लाईज को भी जू में भाई इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है, इसकी स्पीशीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है, और ये बैठी हुई नीचे, ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो जिंदा है और ये इन्होंने पाल कर रखी हुई है। तो जो है वो एक टॉय शॉप भी मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत सी टॉय शॉप है, एनिमल्स के रिलेटेड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें पाइथन भी है, बेबी पांडा भी है, बहुत प्यारी सी एक शॉप बनी हुई है। जितने जानवर हैं उसके छोटे छोटे से स्टफ्स इन्होंने बनाए हुए, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है भाई। यहाँ पर जो सबसे मेन अट्रैक्शन इन्होंने जो बाहर डिस्प्ले पे लगाई हुई है वो है हाथी, और अंदर हम आए तो थोड़ा सा मसला ये हुआ कि हाथी जो है ना वो यहाँ पर अभी नहीं है, और हिप्पोपोटामस भी नहीं है। पता नहीं इन्होंने या तो शिफ्ट कर दिए हैं या वो मर गए हैं, आई डोंट नो, लेकिन उनके केजेस खाली हैं। बाकी सारे जो एनिमल्स हैं यहाँ पर, एनिमल्स बहुत कम है और हमारे जू से भी ज़्यादा कम है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने डिस्प्ले बहुत प्यारा बनाया हुआ भाई। तो ओवरऑल ये देखें फाउंटेन्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो हम अभी एग्ज़िट कर रहे हैं, और ये था आज का हमारा फिलीपींस मनीला जू का टूर। और आपको कैसा लगा? मैं दुनिया भर के अंदर जब भी ट्रैवल करता हूँ, किसी भी कंट्री में जाता हूँ, तो वहाँ पर जो है वो मैं ज़ू ज़रूर जाता हूँ। तो बहुत सारे ज़ू में से एक और ज़ू जो है वो हमने विज़िट कर लिया। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।